लबा आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने गुजशत लेक्चर में मौलाना अलताफ़ हुसैन हाली की हम का आगाज़ किया था और इसके कुछ अब्तदाई अशार के अल्फाज मायने और उनकी तशरी मुकम्मल की थी आज आखिर के जो चार अशार रह गए उनके अल्फाज मायने और तशरी जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं तो पहला शेर इसमें है नशे में वो ताकत के सरशार हैं और बेखुद जो शुक्र नहीं करते नेमत पर अदा तेरा इसमें इतने कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है सिर्फ़ एक लफ्ज़ है सरशार इसका मतलब होता है ख़ुश को भी कहते हैं मस्त को भी कहते हैं या मगन को भी कहते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो बंदे पैदा किए हैं उनको अगर देखा जाए तो आ, किसी को बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा है किसी को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शोहरत और नामवरी से नवाजा है किसी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है लेकिन इस तमाम के अंदर उस बंदे का हाथ नहीं है ठीक है कि उसने मेहनत की उसने आ, जो है कामयाबी के लिए सफ़र किया लेकिन असल ज़ात जो देने वाली है ये चीज़ें वो अल्लाह ताला की है तो कभी कभी हम इंसान जो हैं जब हम इन चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम इन चीज़ों पर गुरूर करने लगते हैं और ये समझते हैं कि ये हमने अपनी मेहनत से अपनी जहानत से या हमने अपने यानी कहना चाहिए कि सलाहियतों से हासिल किए और यही हमारी भूल होती है कि अगर, अगर अल्लाह की हम पर रहमत ना हो अगर अल्लाह हम पर मेहरबान ना हो तो हम मेहनत भी करें तो हम ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते अगर उसकी हम पर नेमत ना हो तो बेशक हम बहुत सलाहियतें भी रखते हों लेकिन हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो मुकाम हम दुनिया में हासिल करते हैं तो ये तमाम का तमाम अल्लाह ही की वजह से है यानी तमाम चीज़ें देने वाली ज़ात अल्लाह ती है जैसे अल्लाह ताली कुरान में फरमाता है कि हम जिसे चाहें इज़्ज़त दें और जिसे चाहें उसे जलील कर दें जिसे चाहें उसे बादशाही दें और जिसे चाहें उसे फ़क़ीर कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ इससे हमें बात वाज नजर आती है कि अगर आज किसी के पास ताकत है इख्तियार है उसके पास इकतदार है उसके पास दौलत है शोहरत है या इज्जत है तो उसमें उसका इतना हाथ नहीं है जितना अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अगर जब अल्लाह ने ये उस पर मेहरबानी फरमाई उस पर फजल किया और अपने फ़जल से उसे ये चीज़ें दीं तो अब उसके बाद उसको क्या करना है अल्लाह का शुक्र अदा करना है और शुक्र के कई तरीक़े हैं। एक तो शुक्र का तरीका ये होता है जो हम जबानी अदा कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं लेकिन शुक्र का असल तरीक़ा क्या है कि जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है जो नेमत हमें उसने दी है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें सही इस्तेमाल अगर उसने उनमें इल्म दिया है इल्म की बुनियाद पर हम इल्म जो है लोगों के अंदर बांटें और सही इल्म पहुंचाएं अगर दौलत दी गई है बेशक दौलत रखना बुरी बात नहीं है लेकिन उस दौलत को अगर हम दूसरों तक भी पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाएं तो इसका मतलब क्या है तो हम शुक्र की के करीब पहुँच सकेंगे हम शुक्र अदा कर सकेंगे लेकिन क्या होता है होता है इसके बरक से इंसान ताकत के नशे में सरशार हो जाता है इंसान बहुत क्योंकि ताकत का नस, नशा जो है तमाम नशों में अब देखिए यहाँ पर शायर ने नशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अगर देखा जाए तो नशा क्या है नशा आम तौर पर अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल कर ली जाए जिसके बाद इंसान बिल्कुल बेखुद बिल्कुल मगन हो जाए उसे कुछ होश नहीं है उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो उसका मकसद क्या हुआ कि ताकत का नशा दुनिया के तमाम नशों में सबसे ज़्यादा बुरा है उसका असर सबसे ज़्यादा बुरा है आम चीज़ का किसी का जिसका नशा जाता है वो कुछ देर के बाद वो नशा उतर जाता है लेकिन ताकत का नशा क्या होता है वो इंसान अगर उतारना भी चाहे तो नहीं उतर पाता और ताकत के नशे में वो क्या हो जाता है ये भूल जाता है कि उससे नीचे भी लोग हैं वो इंसान है और उसे देने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है जो कादर मुतल है जो, आ, जो आ, अगर एक तरफ मेहरबान है तो दूसरी तरफ वो जो है कहार भी है अगर वो चाहे तो दुनिया ही में बंदे को जो है वो मुसीबत में गिरफ़्तार कर सकता है और फिर अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है वो हम पर आ, कोई सज़ा मुसलत नहीं करता हाँ हम ख़ुद अपने अमाल की बिना पर जो है वो दुनिया की मुसीबतों में या मसाइल का शिकार हो जाते हैं फिर ये भी हकीकत है कि दौलत इज़्ज़त शहरत हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं जिस तरह इंसान की ज़िंदगी आरजी है यहाँ की हर चीज़ आरजी है इसी तरह ये चीज़ें भी आरजी हैं ये हमेशा नहीं रहती और अगर हमेशा ना भी रहें तब भी मौत के बाद ख़त्म हो जाती हैं तो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो ताकत के नशे में बिल्कुल मगन हो गया है तो वो ये दरअसल भूल रहा है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा और अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे तो यकीन वो अपने आप को इस मुसीबत से निकाल सकता है अगले शेर की तरफ तात में अदब तेरा इसिया से है गो बढ़कर असियाँ में है तात से इकरार सिवा तेरा अब तात इतात से निकला लफ्ज़ इतात गुजारी हम कहते हैं ना फर्मा बरदारी किसी के ताबे होना और ये वाला लफ्ज़ हम अल्लाह ताला ही के लिए बयान करते हैं इसियाँ का लफ्ज़ होता है गुना मतलब क्या है मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो अपन, आ, बंदे पैदा किए हैं तो उनसे इंसान की सलाहतें उसकी खसूसियात जो हैं फरिश्तों से अलग हैं इसी तरह इंसान की सलायतें और खसूसियात जो हैं वो शैतान से अलग हैं यानी इंसान के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें ऐसी कुतें पैदा की हैं जो उसे बुराई की तरफ जाने से रोकती हैं इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को बुराई से बचा सकता है यानी हम ख़ुद ही अपने महतसब हैं हम खुद ही अपना हिसाब करने वाले ख़ुद को रोकने वाले जज हैं लेकिन क्या होता है कि हम गुना फिर भी कर लेते हैं ऐसा कोई बंदा दुनिया में नहीं होगा जिसने कोई गुनाह नहीं किया छोटा बड़ा फिर हम ये भी इस ख्याल में गुम रहते हैं कि हमने तो छोटा गुनाह किया है गुना कोई छोटा नहीं होता गुनाह सिर्फ गुनाह होता है अगर छोटे गुनाहों को एक जगह हदीस में था कि अगर तुम अपने छोटे गुनाहों को देखो तो शाम को एक पहाड़ जितने होते हैं तो ये तो अल्लाह ताला की हम पर रहमत है उसकी मेहरबानी है कि वो हमारे गुनाहों पर जो है वो हमारी यानी गिरफ्त नहीं करता अगर हम खुदा ना करें उसकी गिरफ्त में आ जाएं तो उसकी गिरफ्त बहुत ही कुरान में ख़ुद उसने फरमाया कि मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता और एक लम्हे की भी देर नहीं होती तो इसका मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताला को अपने वो बंदे यकीनन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं जो इताद गुजार हैं फरमा बरदार हैं उसकी हर वक्त फरमा बरदारी में रहते हैं परहेज़गारी करते हैं ख़ुद को जो है वो गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं और बचते हैं लेकिन अल्लाह को अपने वो बंदे भी प्यारे हैं क्योंकि अल्लाह ताला को हर इंसान से जो है सबसे ज़्यादा मत अल्लाह तला को अपनी में सबसे ज्यादा जो यही पसंदीदा मखलूक है वो इंसान है तो इसलिए क्या करता है अल्लाह अल्लाह ने दूसरा रास्ता क्या बताया कि जब तुम गुना कर लो तो मुझसे माफी मांगो तो मुझसे सत्तर बार भी माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें, तुम्हें माफ करूंगा लेकिन हर बार तुम्हें यह कोशिश भी करनी है कि उस गुनाह की माफी के बाद खुद को उस गुनाह से बचाओ भी क्योंकि यही असल तकवा है और यही असल परहेजगारी है हम बेशक नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हम परहेज़गार नहीं हैं हम ख़ुद को गुनाहों से नहीं बचाते तो वो हमारी नमाजी बेकार है इसी तरह इसका मकसद क्या है कि दुनिया के हर काम में हर मामले में हम अब जो है वो परहेज़गारी का ख़्याल रखें हर वक्त अपने आप को बचाएं और फिर अगर हम नहीं बचा पाते तो इसका मतलब क्या हुआ हम अगर नहीं बचा पाते तो हम गुनाह अगर हमसे हो गया है बिल्कुल होते हैं हम गुना सबसे पहले तो हम अपनी गलती तस्लीम करें हम बासीत इंसान की क्या करते हैं गलती हमारी है ही नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं हम सबसे फ़ौर ये बात कह देते हैं हमने तो कुछ किया नहीं हम यानी अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और अल्लाह तला के सामने जो तमाम हमारे यानी हालात से वाकिफ़ है हमारे दिलों के हाथ से वाकिफ़ है हती कि वो हमारे आगे करने वाले अमल से वाकिफ़ है हम उसको भी यानी उसके सामने भी अपने आप को झूठा बना रहे हैं तो मकसद क्या हुआ कि पहले नंबर पर अपनी ग़लती का एहसास करें और दूसरे नंबर पर दूसरे हमें क्या करना काम फौरी तौर पर अल्लाह से उसकी माफी मांगनी और फिर उसके बाद जब हमने माफी मांग ली अब हमें कोशिश करनी है कि हम उस गुना के करीब ना जाएं अल्लाह ताला को अपने वो बंदे यानी पर शायर ने उन्हीं बंदों को कहा है इसिया में तात इकरार सिवा तेरा यानी अल्लाह ताला का इकरार बंदा तभी करता है फिर वो बहुत याद करता है फिर वो अल्लाह को हर वक्त पुकारता है और अल्लाह को हर वक्त पुकारने वाले ही दरअसल पसंद है हर वक्त पुकारता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे मुझसे गलती हो गई आइंदा नहीं होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह को अपने सारे ही बंदे जो हैं वो बहुत प्यारे हैं उसके बाद अगला शेर आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा आप देखें आफाक जो है वो उफक की जमा है और उफक कहते हैं दुनिया जहान को आ, कभी हम आसमान के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके बाद है सबा सबा जो है हवा या सुबह की हवा को कहा जाता है तो इसका मकसद क्या हुआ के तांत में अदब तो आफाक में फैलेगी कब तक नम है कि यानी अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई सिर्फ दुनिया ही क्या उसने पूरी कायनात को तख्लीक़ किया वो पूरी कायनात का खालिक है और सिर्फ कायनात का खालि नहीं बल्कि इसके ज़र्रेर का बनाने वाला है हर चीज़ यहाँ उसके हुकुम से ही जो है वो ज़हूर पजीर होती है उसी के हुम से कोई जो पत्ता है वो हिलता है अगर उसका हुक्म नहीं हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो उसका मतलब क्या है कि यही पैगाम जो है ऐसा ये लगता है कि जो हवा है जब सुबह हवा सुबह हम उठते हैं और हमें एक हल्की सी ठंडक का एहसास होता है चाहे कितनी गर्मी का शदीद मौसम भी हो लेकिन जो सुबह सवेरे का वक्त होता है फ़जर का वक्त या उससे कबल का वक्त तो वो क्या होता है वो दरअसल बता रहा होता है कि अल्लाह ताला जो है दरअसल बहुत ज़्यादा हम पर मेहरबान भी है वो हमें नीमते भी देने वाला है वो हम पर रहम भी करने वाला है और यही पैगाम लेकर जो है वो सुबह की हवा जो है वो हर तरफ़ जाती है कि देखो कौन है जो हवा चलाने वाला है अगर अल्लाह हवा ना चला अल्लाह का हुक्म जो है वो हवा के लिए ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते हम दुनिया भर के अगर पंखे भी चला दें सब कुछ कर दें लेकिन अगर वो हमें हवा ना मिलनी हो तो हम जो है वो दम घुटके ही मर जाएंगे तो इसका मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताला के हुम से ही न सिर्फ़ उसने दुनिया को तख्लीक़ किया है बल्कि उसका हुक्म हर चीज़ पर चलता है हर चीज़ उसके हुकुम की ताबे चाहे या कुदरत हो या हम इंसान हो हम इंसान अपने तौर पर ही समझते हैं कि हमने कोशिश कर ली या हम किसी काम में अपनी दखल अंदाजी कर सकते हैं किसी चीज़ को रोक सकते हैं लेकिन इसका मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताली हर चीज़ पर कादिर व हर चीज़ पर छाया हुआ है उसके बाद आखिरी शेर और आपको पता है कि आखिरी शेर जो है वो गज़ल का हो या नज़म का वो मख्ता कहलाता है और मख्ते में आम तौर पर शायर अपना तख्लु इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है कुछ रंगे बयाँ हाली है सबसे जुदा तेरा बोल बात गुफ्तगू कोई चीज़ इसका मकसद क्या हुआ कि हाली यहाँ अपनी एक तरह से तारीफ़ कर रहे हैं जब शायर अपनी तारीफ करता है तो दरअसल वो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा दरअसल इसको हम उसने ताला कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है कि दरअसल वो बनाने वाले की तारीफ़ कर रहा है यहाँ पर शायर ने अपने अशार की अपने कलाम की तारीफ़ की है कि मेरा कलाम इतना अच्छा है कि हर दिल पर अंदाज़ होता है जो भी मेरा कलाम सुनता है जो भी मेरी शायरी को सुनता है तो आ, वो मेरी शायरी से मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकता और इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि मेरा रंग सबसे अलग हो गया है मैं सबसे अलग आ, तर्ज से लिखने लगा हूँ मेरे लिखने का मेरे सोचने का अंदाज़ मेरी तहरीर जो है मेरे, died, मेरे जो हैं मेरे अफकार जो हैं वो दूसरे शोरा से अलग हो गए हैं अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि अब मैं सब के लिए सोचता हूँ मैं पूरी कौम के लिए सोचता हूँ इसलिए मेरी मेरे जो अपने ख्याल हैं शायरी की सूरत में वो दरअसल सबके ख्याल हैं तो इस तरह से ये पूरी नज़म जिसको हम हमद से पुकारते हैं वो यहाँ मुकम्मल हो गई और यकीनन आपने अंदाज़ा किया होगा कि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा सिफ़ात हैं उसकी खसूसियात हैं जिन्हें हम शायद अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकते सिर्फ उसका एक तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर अमल करें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बुराइयों से बचाएँ शुक्रिया